कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं आप, कंडक्टर्स भूल जाएंगे, इंसुलेटर भूल जाएंगे, सर फोकस इसके ऊपर करेंगे अब, सेमीकंडक्टर्स। नाउ सेमीकंडक्टर्स बेसिकली दे कैन बी ऑफ टू कैटेगरीज, वन कैन बी इंट्रिंसिक, अदर एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दो सेमीकंडक्टर्स, या ऐसे बोले विच आर प्योर, दीज आर इम्प्योर, यानी कि इंप्योरिटीज ऐड की गई हैं डेलिबरेटली। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स की अगर एग्जांपल कुछ लेके चले, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स बाय नेचर, जो सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स, ठीक। कुछ हमारे पास कंपाउंड भी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, दीज आर गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनेट, ठीक है, इंडियम फॉस्फाइड, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ दीज, आई हैव जस्ट मेंशन फ्यू ऑफ देम, देयर आर लॉट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। Now, semiconductors, before I start with the semiconductor part, where we use semiconductor, first of all. किसी को कुछ आइडिया है semiconductor कहाँ पे यूज होते हैं? कहाँ पे यूज होते हैं? Semiconductor की जरूरत ही क्या है? मतलब conductors are very very good conductors, electricity pass करनी है तो conductor से pass करो, अगर आपको shock से बचना है तो insulator लो। Semiconductor क्यों चाहिए? जिसकी conductivity है भी और नहीं भी, या ना के बराबर है। बिफोर वी स्टार्ट विद, एक चीज बता दूं, आपका कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, कोई भी, जहां पे सेमीकंडक्टर यूज नहीं होता है। विदाउट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, आप इतने कम साइज के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रहे हैं डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे, ये पॉसिबल ही नहीं थे। सेमीकंडक्टर बेसिकली जो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट ये थी टू हैव अ कंट्रोल ऑन द, या तो बोलो रेजिस्टिविटी या बोले उसकी कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टर्स दे आर नेचुरल कंडक्टर, आई कैन नॉट कंट्रोल देयर कंडक्टिविटी बिकॉज दे हैव ऑलरेडी दे आर सर्टन इलेक्ट्रॉन इन वेलेंस बैंड इवन एट जीरो केल्विन, सॉरी इन कंडक्शन बैंड जीरो, इवन एट जीरो केल्विन यू कैन नॉट कंट्रोल देयर कंडक्टिविटी। पोटेंशियल डिफरेंट लगाओगे तो डेफिनेटली कंडक्ट करेंगे ही करेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। इंसुलेटर ऐसे हैं जो कंडक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे ऐसे डिवाइस चाहिए थे जिसकी कंडक्टिविटी मैं खुद कंट्रोल कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू मेक एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच। आपका कंप्यूटर का जो हार्ट है काम करने का, दैट इज अ स्विच। आपको पता है ना कंप्यूटर आपका काम कैसे करता है, 0 1 0 1 0 1, ये सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। 0 का मतलब है इट इज स्विच ऑफ, 0 1 का मतलब इट इज स्विच ऑन। Do you understand? तो बेसिक किसी भी चीज का सर्किट का जो हार्ट है दैट इज अ स्विच। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी, पहले टीवी कहते हैं या कंप्यूटर कहते हैं, इतने इतने बड़े हुआ करते थे। क्यों होते थे? उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, जो वैक्यूम ट्यूब बनाई गई इसी रिक्वायरमेंट को लेकर कि मुझे कंट्रोल चाहिए था कंडक्टिविटी के ऊपर। लेकिन देवर वेरी वेरी बल्की और उसको चलाने के लिए बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सो विद द इन्वेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, टीवी यहां से अब आपके हाथ के अंदर, आपके हाथ में टीवी, मोबाइल फोन, जो मर्जी देखो उसके अंदर। अब छोटे होते होते अब टीवी घड़ी के अंदर है, मोबाइल भी घड़ी के अंदर है, एप्पल वॉच धीरे धीरे, मतलब ये मिनी और जो भी ये चीजें हमारी बड़े से छोटी होती 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 गई हैं, ऑल ड्यू टू द एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, ठीक। चलो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेमीकंडक्टर यूज होता है दैट इज सिलिकॉन। कारण दिस इज प्रेजेंट इन अबंडेंस। हमारी मिट्टी किससे बनी है? सिलिकेट्स के साथ। आपका पूरा अपर क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, तो वेरी इजीली अवेलेबल एलिमेंट, सो तो काफी चीपली अवेलेबल है, हमें बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ प्योर करना उसको, ठीक है। सो मैक्सिमम जो हमारी जो इंडस्ट्री है दैट दे यूज
सिलिकॉन एज ए सेमी कंडक्टर. ठीक, सो हमारे जितनी भी डिस्कशन रहेगी इट विल ऑल रिवॉल्व अराउंड सिलिकॉन और जर्मेनियम.